नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तालिबानी लड़ाके हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का भाई हशमत गनी तालिबान में शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने तालिबान को समर्थन का फैसला अल्हाज खलील उर रहमान हक्कानी के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया है। खबरों के मुताबिक ग्रैंड काउंसिल ऑफ कुचिस के प्रमुख हशमत गनी ने अपने समर्थन की घोषणा तालिबान के नेता खलील उर रहमान और धार्मिक स्कॉलर मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में की है। हशमत गनी के तालिबान में शामिल होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तालिबान के साथ हशमत गनी के आने से आतंकी संगठन तालिबान को मजबूती मिलने के आसार हैं। इस बीच तालिबान का सह संस्थापक बरादर भी काबुल पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी एफपी के मुताबिक बरादर यहां सरकार बनाने को लेकर बातचीत करने पहुंचा है। हशमत गनी अशरफ गनी का भाई है, ऐसे में वो अफगानिस्तान की राजनीति और कूटनीति को अच्छी तरह से जानता है और इसका फायदा सीधे सीधे तालिबान को मिलेगा। बताया जा रहा है कि हशमत गनी पहले से ही तालिबान को समर्थन देने का फैसला कर चुका था और जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ और वो आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया। हालांकि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसे लेकर तालिबान के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर को पहले तालिबान राष्ट्रपति बनाना चाहता था, लेकिन आतंकी संगठन के अंदर ही बरादर के खिलाफ आवाज उठने पर उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर भाग गए हैं। वो यूएई में है। हाल ही में खुद यूएई की तरफ से भी इस चीज की पुष्टि कर दी गई है और कहा गया था कि मानवीय आधारों पर अशरफ गनी को यहाँ शरण दी गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी के देश छोड़ने को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। आरोप ये भी लगे हैं कि वो अपने साथ भारी मात्रा में कैश लेकर भागे हैं। हालांकि गनी ने इन आरोपों से इनकार किया है। अशरफ गनी ने अपने बचाव में कहा था कि वो काबुल के लोगों की जान बचाने और हिंसा को टालने की वजह से देश छोड़कर गए हैं। देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी ने कहा था कि तालिबान जीत गया और उन्हें रक्त पाप की बाढ़ को रोकने के लिए अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।